अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं पूरा उर्दू में बोलूँ, इंग्लिश का यूज़ ना करूँ और उर्दू में बोलूँ ताकि मेरी जो बात है वो सब तक पहुँचे। देखिए, अगर आप लोग परेशान हो तो पता नहीं, ये बहुत ही रैंडमली मेरे माइंड में इट गॉट क्लिक कि मैं इस बारे में बात करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं बात कर लेती हूँ। अगर आप लोग परेशान हो, आपके ज़िंदगी में परेशानी है, देखिए एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, परेशानी हर किसी के लाइफ में है। मेरी लाइफ में आई हैव माई ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी ऐसे इंसान को बनाया जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। और ये बात ज़रूर से याद रखिएगा, जिसके पास जितनी प्रॉब्लम्स है ना, मीन्स कि अल्लाह सुबहाना वाला उस इंसान से उतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा आजमाया जा रहा है, आपको ज़्यादा आपको हर किसी दिन आपको आपको चैलेंज फेस करना होता है, यू हैव टू फेस अ न्यू सेट ऑफ चैलेंज, सो थैंक अल्लाह सुबहाना वताला दैट ही हैज़ गिवन यू द अपॉर्चुनिटी, दैट यू आर वन ऑफ द बींग दैट अल्लाह सुबहाना वताला वॉन्ट्स टू टेस्टिफाई, कि अल्लाह सुबहाना वताला आपको टेस्टिफाई करना चाहते, इसलिए उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप, क्योंकि उनको पता है आप इस चैलेंज पे खड़े उतरेंगे, तब जाके अल्लाह सुबहाना वताला ने आपको वो एक परेशानी आपके लिए रखी है। और मुझ पे मत भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला पे उम्मीद रखिए। ना उम्मीद मत हो जाइए कि मैं मुझसे ही क्यों गलतियाँ हो रही है, मुझ पे ही क्यों ज़्यादतियाँ हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला रहीम है, वो रहमान है, उनसे दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए। देखिए सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वरी की, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते तो नमाज 5 टाइम नमाज पढ़िए पाबंदी के साथ। देखिए पहले पहले सबको दिक्कतें आती हैं, मुझे भी दिक्कत होती थी पहले पहले मैं, लेकिन अब जब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अब मैं जब तक सारी नमाज़ें नहीं पढ़ लेती हूँ मुझे चैन नहीं आता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करिए कि आप भी 5 टाइम नमाज़ पढ़े। और एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने जो भी आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो आपको मिलेगा, ना ही आपको उससे ज़्यादा मिलेगा ना ही आपको उससे कम मिलेगा। या फिर कुछ लड़कियां होंगी या कुछ लड़के होंगे, वो परेशान होंगे कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हम सिंगल बैठे हैं, बाकी सब मज़े करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अल्लाह सुबहाना व तआला ने हर किसी की लाइफ में जिसको जो मिलना है, किसको किससे शादी होगी, किसकी किससे शादी नहीं, ये पहले ही सब कुछ लिख दिया है। ये आपकी तकदीर में पहले ही लिखा है कि किसको क्या मिलने वाला है, किसकी किससे शादी होने वाली है, किसका किससे निकाह होने वाला है, अल्लाह ताला हैज ऑलरेडी रिटन इट। तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, या फिर जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उस पर 100% दीजिए, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़िए। या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए और फिर अल्लाह ताला तक छोड़िए, इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर नहीं भी, दैट थिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, मे बी दैट फील्ड इज़ नॉट फॉर यू, या फिर वो जो एग्ज़ाम आप देना चाहते हो उसमें नहीं हो रहा है, जबकि आपने अपना 100% भी दिया है फिर भी नहीं हुआ, मीन्स इट्स नॉट फॉर यू, मे बी अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल गिव यू बेटर देन दैट। ओके, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दैट वाई दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, वाई दैट थिंग्स, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर 100%, यू कैंट से दैट ओके आई एम जस्ट गिविंग माई 40% 30% एंड देन इट्स अप टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ही विल ओनली ही नोज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर मी। नो, आप अपना 100% दीजिए एंड देन अल्लाह सुबहाना वताला विल टेक केयर, फॉर श्योर ही विल टेक केयर। हैव होप इन हिम, डोंट डोंट बी डिस्पेयर कि बस हो चीज़ें नहीं हो रही है, अल्लाह ताला पे भरोसा रखे, उनसे बात कीजिए, उनसे 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 और चीज़ें, यू नो देर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल क्रिटिसाइज यू नो मैटर वॉट यू डू, इफ यू यू विल डू गुड दे विल क्रिटिसाइज, यू विल डू बैड दे विल से थिंग्स, दे विल से थिंग्स एट योर बैक, इट्स कॉमन, इट्स एक्सपेक्टेड, सो डोंट वरी। जस्ट सबसे ज़्यादा डोंट रिलाई ऑन पीपल, जस्ट हैव बिलीव इन अल्लाह सुबहाना ताला, कीप सम थिंग्स दैट बिटवीन यू एंड अल्लाह सुबहाना ताला ओनली, किसी और को बीच में मत लाइए, ठीक है। और यस, उनसे बात कीजिए, उनके सामने गिड़गिड़ाए, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिसके पास जितनी ज़्यादा परेशानी, जितनी ज़्यादा आजमाइश है, मतलब कि अल्लाह सुबहाना ताला आपसे मोहब्बत करते हैं, तभी जाके वो आपको और ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं, और ज़्यादा आपको अच्छा बनाने की कोशिश की। जितनी ज़्यादा आप चैलेंज फेस करेंगे उतना ज़्यादा आप निखर करके आते हो, आई ट्रूली बिलीव इन इट। तो इसलिए परेशान मत होइए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, वो आपकी हर कोई परेशानी दूर करेंगे, वो समझते हैं, वो तो आपके बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके मम्मी पापा से ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ कैसे गलत होने दे सकते हैं। अभी कोई भी परेशानी है, इट्स ओके, अपना बेस्ट दीजिए जिस भी आप फील्ड में हो, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत जल्दी आपको खुशी देंगे और आपकी सारी परेशानियाँ दूर करेंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, डोंट लूज होप इन अल्लाह सुबहाना वताला। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, अगरी बात अच्छी लगी यार दुआ करना मेरे लिए, एंड थैंक
थैंक्स यार, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मैं जल्दी लाइव करूँगी। हम सब जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ पर्सनली। तो अभी अभी मैं एक दो दिन के बाद वील हैव अ लाइव सेशन ऑल्सो, जिसमें मैं आप सबसे बात करूँगी। और कोई भी परेशानी हो मुझसे बोल सकते हो, मैं आपकी, अगर आप मुझसे छोटे तो मैं आपकी दीदी हूँ, अगर मुझसे बड़े हो तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक लॉट्स ऑफ केयर, डोंट वरी एट ऑल, ओके? अल्लाह सुबहाना ताला इज़ विद यू, He is with us, he is with each and every one of us. Okay, bye bye.